दुनिया भर में सैकड़ों लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी का मुख्य कारण पीने के पानी में मौजूद विष पदार्थ है। निकारागुआ, कोस्टा रिका, श्रीलंका एवं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में ये बीमारी पीड़ित लोग अधिक तादाद में हैं। इस समस्या को राजनीतिक मंच पर एक दांव पेच के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बीमारी को इलाज के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। वाईएस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्दानम के प्रजा को शुद्ध पीने के पानी उपलब्धि के लिए आवश्यक कामों को तुरंत प्रारंभ किया। इसके तहत उद्दानम पेयजल प्रायोजना का कार्यभार मेगा इंजीनियरिंग को सौंपा गया। उद्दानम जनता को निरंतर शुद्ध पेयजल के उपलब्धि के लिए 1.12 टीएमसी पानी को इस परियोजना द्वारा पहुंचाया जाएगा। श्रीकाकुलम जिले के कई तालुकों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना को समय से पहले पूरा करने के लिए MEIL तेजी से काम कर रही है। उद्दानम से 100 किलोमीटर दूर स्थित हीरा मंडल रिजर्वायर से भूगर्भ पाइपलाइन द्वारा पानी को पहुंचाया जाएगा। मिलियापुट्टी मंडल केंद्र से पानी को रेत फिल्टर के माध्यम से शुद्ध किया जाता है और उद्दानम में 809 आवासीय क्षेत्र में स्थापित संरक्षित ताजे पानी के ओवरहेड टैंक के माध्यम से हर घर में आपूर्ति की जाएगी। यह समस्या कई वर्षों से इसी प्रकार अनदेखा रह गया था। 1985-86 में किडनी की बीमारी उद्दानम में उभर आया। 1990 के दशक में ये बहुत बढ़ चुका था और लोग इस बीमारी से बहुत परेशान होने लगे। पीने के पानी के लिए लोग अधिकतर बोरवेल पर निर्भर होते थे। उद्दानम के करीब बहने वाले बहुदा और महेंद्र तनया नदी गर्मियों के मौसम में सूख जाने पर बोरवेल का पानी ही पीना पड़ता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उद्दानम पेयजल योजना जल्द ही इस प्रांत के लोगों की कई सदियों की पीड़ा को दूर कर दिया है।